अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी सा शॉपिंग हॉल। जब मैं वली की बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही थी तो तब मैंने अपने लिए भी कुछ शॉपिंग की थी, सो मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ मैंने जो है ना वो मेकअप की प्रोडक्ट बाय की थी और कुछ स्किन केयर की। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लिया था एक पैनकेक क्रिस्टेन का, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है ना और गर्मियों में उनकी स्किन पे बेस जो है वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करती, तो आप लोग अपनी बेस लगाने के बाद यानी फाउंडेशन के बाद जो है ना कोई भी पैनकेक यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास दो तीन कंपनियों का है, इस दफ़ा मैंने जो ये सोचा कि क्रिस्टेन कंपनी को ट्राई करके देखती हूँ। तो इसके अंदर SPF 30 ऐड किया हुआ उन्होंने और मैंने जो है ना वो शेड एवरी 8 लिया है। अच्छा, मेरी स्किन भी ऑयली है तो मेरी स्किन पे भी ना बेस जो है वो स्टे नहीं करती ज़्यादा देर, तो मैं फाउंडेशन लगाने के बाद जो है ना वो इस तरह से पैनकेक वेट स्पंज के साथ जो है वो इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है आपकी फाउंडेशन। तो इसके अंदर मैंने ये वाला शेड एवरी 8 लिया है और इसके साथ ही मैंने इसी ब्रांड की जो है ना वो फाउंडेशन भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है और उनके फेस पे फाउंडेशन नहीं स्टे करती तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं ये पैनकेक। और इसके साथ मैंने ये लिया है फाउंडेशन भी, इसी ब्रांड की मैंने लिया है क्रिस्टेन की, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और इसको यूज़ करके फिर मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अंदर जो है ना मैंने ये लिक्विड फाउंडेशन है, ये ग्लास की बॉटल में है और इसके अंदर जो शेड है ना आई थिंक सो ये एवरी 2 है, शायद आपको क्लियर नज़र आ रहा हो कैमरे में, एवरी 2 है इसका। और इसको मैं यूज़ करके तो फिर बताऊंगी कि मेरे स्किन पे ये कैसी रही। अगर आप लोगों ने यूज़ की हुई है पहले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ जो है मैंने ये मेकअप ब्रशेस नेकेड के बाय किए हैं, ये मेरे पास नहीं थे, मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो ये मैंने बाय किए हैं। इसके अंदर मुझे 12 जो है ना वो ब्रशेस मिले हैं, ये देखते हैं इस तरह से। इसके अंदर हर तरह का ब्रश है लेकिन इसके अंदर मुझे ना वो ब्रश नहीं नज़र आया जो आईब्रो को सेट करने के लिए होता है ना, वो नहीं है, बाकी हर तरह के हैं इसके अंदर। ये लिपस्टिक को लगाने के लिए भी है। एक मैंने ये पैक लिया था, इसका बॉक्स लिया था। इसके अलावा मैंने मेकअप में जो है ना वो ये 2 ग्लिटरी आई शेड है, ये मी आई के हैं और इसका ये मैंने शेड लिया है, ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहे थे और इजीली जो है ना ये अप्लाई हो जाते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त शेड लग रहा था, शायद कैमरे में ना ठीक से नज़र आ रहा हो, ये पिंक सा न्यूड सा शेड है, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा था। एक मैंने ये लिया, अच्छा इसके पीछे जो है ना ये 4 नंबर दिया हुआ है और ये सी रोज़ का है और इसका नंबर है 17 और ये भी बहुत ज़बरदस्त शेड है, ये गोल्ड कलर का, शायद गोल्डन कलर है, ये देखें। इसके अंदर और भी काफ़ी शेड थे लेकिन मुझे ये 2 ज़्यादा अच्छे लगे, ये इजीली अप्लाई हो जाते हैं। तो ये मैंने आई शेड में 2 ये ग्लिटरी आई शेड लिए थे, ये है मर्टमास नहीं है, ये डॉक्टर डर्मा का है वाइटनिंग फेशियल मास्क और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, ये वाइटनिंग एंटी एजिंग और मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट है। मैं जो ना वो फ्रीमैन का जो चारकोल और मर्टमास था ना वो बाय करना चाह रही थी लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने एक ये लिया और इसके साथ जो है ना मैंने ये सॉफ्ट टच का ये मड मास्क है तो ये मैंने ले लिया। ये आपकी स्किन को जो है वो क्लीन भी करता है और इसके साथ आपकी स्किन को जो है ना वो टाइटन अप करता है। तो जितनी भी गर्ल्स हैं जिनकी ऑयली स्किन है ना तो वो कोशिश किया करें कि मड मास्क यूज़ किया करें किसी भी ब्रांड के हों। अब मड मास्क जो है ना वो आपकी स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं, जो सीबम होता है, तो उससे आपकी एक्ने काफ़ी कंट्रोल रहती है। उसके अलावा मैंने लिया है कि बायोआमला शैम्पू और आजकल जो है ना वैसे तो मैं पैंटीन यूज़ कर रही हूँ लेकिन उसके साथ मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई जो है ना वो लेस केमिकल या हर्बल शैम्पू भी मैं यूज़ किया करूँ। तो या तो मैं ये बायोआमला शैम्पू और उसके अलावा लाइफ बॉय हो गया या पोमोलिव शैम्पू, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। वीक में एक दफ़ा सिर्फ पैंटीन के साथ मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ और उसके अलावा जो है ना बाकी वीक में अगर मुझे अपना हेयर वॉश करना होता है तो मैं लेस केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करती हूँ।
और मैंने जो है ना इसके साथ ये एक मॉइस्चराइज़र बाय किया था, ये जॉनसन का मॉइस्चराइज़र है। वैसे तो मैं जो है ना एलोवेरा जेल को एज़ अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ये जो है ना अंदर से वाइट है, जो पिंक वाला है ना उसकी कंसिस्टेंसी ज़रा थिक है, तो ये वाला मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इसके सुने थे ऑयली स्किन के लिए, तो एक मैंने ये लिया है। और इसके साथ जो है ये नेविया सॉफ्ट का ये मॉइस्चराइज़र बाय किया, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ये दोनों जो है ना वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ। वैसे सिर्फ मैंने एलोवेरा जेल ही यूज़ करती थी। और उसके साथ मैंने ये दो पॉकेट टिश्यू लिए थे, ये काफ़ी काम आते हैं बैग में ट्रैवल करते वक्त ना, बैग में रख लेती हूँ मैं, तो वली का फेस वगैरह साफ़ करना हो या अपने लिए। और इसके साथ मैंने ये लिया था वाइटनिंग, वाइसी का वाइटनिंग फेस वॉश है, ये डीप क्लीन करता है और ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर आप लोगों की स्किन पे एक्नी है और आप कोई बजट फ्रेंडली फेस वॉश जो है ना वो बाय करना चाहते हैं तो ये वाला मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इसके जो है ना वाइसी के फेस वॉश काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अंदर मैंने नीम वाला जो है वो भी फ्लेवर यूज़ किया हुआ है और ये वाला भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, और इसके अंदर मिल्क फ्लेवर भी आता है एक, तो ये वाला जो है ना गर्मियों में काफ़ी बेस्ट है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है और एक्नी को भी। और इसके साथ मैंने ये पॉन्ड्स का जो है ना ये वाइट ब्यूटी ये एक लिया था, और इसके अंदर वैसे तो पॉन्ड्स में मैं ज़्यादा चारकोल वाला यूज़ करती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैंने ये भी एक लिया है। तो यही थी शॉपिंग। इसके अलावा मैंने एक अपना ड्रेस बाय किया था, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। सो ये सूट मैंने लिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रे कलर का सूट है और इसके साथ ऑरेंज कलर की कम्बिनेशन है, और इसको मैंने कुछ इस तरह से स्टिच करवाया है। ये देखिए ज़रा इसके गले और बाजुओं पे मैंने शीशे लगवाए थे और इसके साथ पैच दिया हुआ जो कि मैंने दामन पे लगवाया, लेकिन जब ये सूट स्टिच होके आया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ना पैच लगाते हुए ग्रे कलर का धागा यूज़ किया जो कि बिल्कुल भी उससे सूट की जो है ना वो ग्रेस ख़त्म हो गई थी। और इसके साथ मैंने ऑरेंज कलर की मगजी लगवाई है बाजुओं पे भी, दामन और उस पर चाक पे, और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है ग्रे कलर का, उसके साथ विंटेज फोन दुपट्टा है, और ये काफ़ी खूबसूरत कलर कम्बिनेशन थी इसकी। और मैंने इससे पहले जो ना ये कलर पहना भी नहीं हुआ ग्रे कलर, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और अपनी मिनी सी शॉपिंग हॉल का यहीं पेमेंट करती हूँ। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।